नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है। केंद्र सरकार की ओर से देश में लॉकडाउन 5.0 को लागू कर दिया गया है। अब यह 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगा। चलिए आसान भाषा में जानते हैं लॉकडाउन के पांचवें चरण में आपको क्या छूट अब मिलेगी। तो सबसे पहले आपको बता दें, शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खुलेंगे। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके साथ ही सबसे पहले आपको बता दें, लॉकडाउन 5.0 को केंद्र सरकार ने अनलॉक डाउन 1 का नाम दिया है। अनलॉक 1 के लिए गृह मंत्रालय द्वारा नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में अब भी पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी, लेकिन बाकी सभी जगहों पर धीरे धीरे छूट दी जा रही है। यह गाइडलाइंस 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेगी। अनलॉक 1 में आपको काफी सारी छूट दी गई है। सबसे पहले आपको बता दें, गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार अनलॉक 1 में एक से दूसरे राज्य में अगर आप आवाजाही करने के लिए सोच रहे हैं तो अब आपको पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च खोल दिए जाएंगे। अनलॉक 1 में 8 जून से रेस्टोरेंट भी खुल जाएंगे। लॉकडाउन के पांचवें चरण में आपको काफी सारी छूट दी गई है। 8 जून से रेस्टोरेंट, बार, मॉल, धार्मिक स्थलों को खोलने का आदेश दिया है। धार्मिक स्थल शर्तों के साथ खुलेंगे। इसके साथ ही जुलाई में स्कूल, कोचिंग भी खुल सकेंगे। अनलॉक 1.0 का ऐलान हो चुका है। दुकानें में 5 से ज्यादा लोग अभी भी इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। मास्क पहनना जरूरी है। सैलून यानी कि अब नई की दुकानें खुल सकेगी। 1 जून से अब हिंदुस्तान लगभग खुलने लगा है। लॉकडाउन जब लगाया गया था तब जिंदगी थम सी गई थी, लेकिन अब सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन खोलती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अब कोरोना के साथ ही जिंदगी जीनी है। हालांकि रात 9 बजे से 5 बजे तक अभी भी कर्फ्यू जारी रहेगा। देश भर में 1 से 30 जून तक अनलॉक 1 लागू किया गया है। इसके साथ आपको बता दें, लॉकडाउन 5.0 के ऐलान से पहले सोशल मीडिया पर यह अफवाहें उड़ रही थी कि शराब की दुकानें वापस बंद होगी, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, इन पर भी रोक लगेगी, लेकिन इन पर भी कोई रोक नहीं है। जैसे चौथे चरण में छूट दी गई थी वैसे ही इन पर अब छूट जारी रहेगी। इसके साथ ही आपको बता दें, लॉकडाउन के पांचवें चरण में काफी छूट मिली है, लेकिन देश के सामने 2 बड़ी चुनौतियां भी है। एक तरफ आर्थिक गतिविधियों से छूट के जरिए अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस को भी काबू करने की सरकार कोशिश कर रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबर। बाकी तमाम खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।